नमस्ते दोस्तों, डिग गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं कुछ आपको घरेलू नुस्खे दे रहा हूँ, वो छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। जुखाम होने के ऊपर, ठंड या बारिश के मौसम में जुखाम के कारण नाक बंद हो जाती है, ऐसे मौसम में ये एक आम समस्या है। इससे बचाव के लिए अजवाइन को भून लें और उसे एक सूती कपड़े के अंदर जरा सी पोट की तरह बांध करके, और इसे बच्चों को भी सूंघाएं और खुद भी सूंघें, इससे नाक खुल जाती है और जुकाम बह के निकल जाता है। याद रखें, अजवाइन गर्म रहती है तो छोटे बच्चों को सावधानी से सूंघाएं अथवा जोर से नाक ऐसे जोर से ना खींचें। अगला प्रयोग, रात को सोते समय रोज़ आंवले का चूर्ण शहद या पानी से लेने से पेट साफ रहता है और आंखों से संबंधित रोगों में लाभ मिलता है। सूखे आंवले को शुद्ध गाय के घी में तलकर पीस लें। इस चूर्ण का सिर पर लेप करने से जिनको नक्सीर होती है उनको लाभ मिलता है। अगला प्रयोग, पपीते के छिलकों को सुखाकर और पीसकर पाउडर बना लें। इस चूर्ण में ग्लिसरीन मिलाकर दिन भर दो बार फटी हुई एड़ियों में लगाने से बहुत जल्दी फायदा होता है। पपीता 12 ही महीना आता है। अगला प्रयोग, भोजन करने से पहले 2 या 3 पक्के टमाटरों को काटकर उनमें पिसी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक और हरा धनिया मिलाकर खाएं। इससे चेहरे पर लाली आ जाती है और पोरू शक्ति बढ़ती है। देखो कितना सरल उपाय दिया है लेकिन कोई करते नहीं है, क्या करें, इसका तो कोई उपाय नहीं। एक बार और बोल देता हूँ, भोजन करने से पहले 2 या 3 पके टमाटर को काटकर उनमें पिसी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक और हरा धनिया ये मिलाकर खाएं। इससे आपका चेहरा लाल होगा और आपकी पोरू शक्ति खूब बढ़ेगी। अगला नुस्खा, पेट में कीड़े होने पर सुबह खाली पेट टमाटर में पीसी हुई काली मिर्च लगाकर खाने से लाभ होता है, या उसमें हींग का छोंग लगा दीजिए और उसे पी जाइए, सारे के सारे कीड़े मर जाएंगे। अगला जो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ, बालों को निरोग रखने और उनको बीमारी इत्यादि से बचाने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपके बालों में चमक आएगी बल्कि आपके बाल किसी भी होने वाली बीमारी से भी बच जाएंगे। अगला प्रयोग, त्वचा पर कहीं भी फुंसी उठने पर काली मिर्च पानी के साथ पत्थर पर घिसकर अनामिका अंगुली से सिर्फ फुंसी पर लगाने से फुंसी बैठ जाती है। अगला प्रयोग, सिर दर्द होने पर दालचीनी को पानी के साथ महीन पीसकर माथे पर पतला लेप लगा लीजिए। लेप सूख जाने पर उसे हटा दीजिए। 3-4 लेप अगर इस तरह आप लगा लेंगे सिर का दर्द बंद हो जाएगा। अगला प्रयोग, चेहरे की झाई, जो चेहरे पर काले धब्बे या झाई होती है, कुछ दिनों तक चेहरे पर मटर के आटे का उबटन मलते रहने से झाई और धब्बे समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रयोग, आंवले का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। आंवला एक बहुत ही दिव्य फल है और खूब आता है। इसके अलावा आप सुबह नाश्ते में आंवले का मुरब्बा अगर खाते हैं तो आपका शरीर निरोग रहेगा। कुछ नुस्खे और हैं, अगर टेंशन होती है तो बच्चों के साथ मस्ती करें, उछल कूद करें, इस तरह अपने मन को आप प्रफुल्लित रखेंगे तो आप टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। जिन
बहन बेटियों के या जिनके चेहरे पे मुहासे होते हैं तो हल्दी और बेसन का उपचून बनाकर चेहरे पर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। नीम की पत्तियों के चूर्ण में मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाकर इसे चेहरे पर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। नीम की जड़ को पीसकर मुहासों पर लगाने से भी ठीक हो जाते हैं। काली मिट्टी को घिसकर मुहासों पर लगाने से भी मुहासे खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको घरेलू प्रयोग, जो छोटी छोटी बीमारियां दिखती है लेकिन बड़ी परेशान करने वाली होती है, उनके इलाज बताए। आप लाभ उठाइए और वीडियो सब्सक्राइब कीजिए।